हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के टर्म एंड एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के जो टर्म एंड एग्जाम है वो आप सभी के 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर संयम भारद्वाज जी जो सीबीएसई के परीक्षक नियंत्रक है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 15 नवंबर से आप सभी की परीक्षा ली जाएगी। अगर हो सकता है एक दो दिन की लेट रहती थी हो तो 17 नवंबर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 15 से 17 नवंबर के बीच आप सभी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और इसको लेकर डेट शीट है जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। आप सभी लोग सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डेट शीट दोस्तों अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो दोस्तों मंडे तक, जी हाँ मंडे तक संभावना है कि मंडे तक आप सभी की डेट शीट जारी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने परीक्षा को लेकर दो महत्वपूर्ण सवाल को जवाब दिए हैं। पहला सवाल ये था कि सर जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होंगे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम आप सभी के आपके स्कूल में लिए जाएंगे। जी हाँ, स्कूल में कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि इस बार जो है ओएमआर सीट पर एग्जाम लिए जाने वाले हैं, ठीक है, बबल भरेंगे आप सभी लोग, तो ऐसे में क्योंकि बहुत से बच्चे जो पहली बार ओएमआर सीट पर एग्जाम देंगे तो बच्चों से गलती की संभावना बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो अभी जो है आप क्लास 10 और क्लास 12 के छात्र हैं तो इसमें गलती की संभावना ज़्यादा थी। तो ऐसे में संयम भारद्वाज ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने आपने गलत ऑप्शन को चूज़ कर दिया, उस पर गलत गोला लगा दिया, तो आपको दोस्तों एक एक्स्ट्रा गोला दिया जाएगा जिसको आप फिल कर सकते हैं और पहले वाले को काट सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको 5 गोले होंगे, 5 बबल्स होंगे। अगर एक बबल्स में आप गलती कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एक बबल दिया जाएगा जिसमें आप अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं, जो कि काफ़ी एक सही फैसला लिया गया डॉक्टर संयम भारद्वाज द्वारा, जो कि आप सभी लोग पहली बार ओएमआर सीट के लिए तैयार हो रहे हैं, पहली बार एमसीक्यू पे परीक्षा ली जाने वाली है। परीक्षा के समय जो दोस्तों 90 मिनट है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सम टू एग्ज़ाम होंगे वो जो होंगे सब्जेक्टिव होंगे, जो दोस्तों मार्च अप्रैल में होंगे। कुछ कारणवश अगर उस पर टल जाता तो उसको भी ऑब्जेक्टिव माध्यम से लिया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, बट ये एग्ज़ाम दोस्तों ऑफलाइन होंगे, ये संयम भारद्वाज जी ने कह दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।